मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन का हर विचार और योजना बुरी है। तो मैं पृथ्वी पर रहने वाले हर जीवित प्राणी को मिटा दूंगा। मुझे खेद होता है कि मैंने उन्हें बनाया। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुबह होशियारा गाओ होशियारा, ये वचन है सुबह होशियारा गाओ होशियारा, ये वचन है सुबह। हमें कहीं और छिपना होगा। मुझे बचाओ। वो तुम्हें बचाएगा। स्कूल से छुट्टी मारने का आइडिया उसका था। ओह, पर तुम भी तो मेरे साथ वहीं पर थी, क्योंकि तुम्हें भी तो पियर्स बहुत पसंद आया था। क्रिस, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? स्कूल आधे घंटे में शुरू होने वाला है। तुम्हारी पहली क्लास पढ़ाई की है और मेरे पास तो मम्मी का खत है। तुमने अपनी मम्मी का जाली खत बनाया? शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस, तुमने फिर से अपना टिफिन घर पर छोड़ दिया। मैं तुम्हें ये देने स्कूल गया, पर तुम वहाँ पर नहीं थे। तो मैंने अपने जीपीएस का इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढा। तुम एक स्केटबोर्ड पार्क में उसके खुलने से पहले ही घुसने की कोशिश कर रहे हो। गेज, सुनो, हम लोग थोड़े व्यस्त हैं। हे क्वांटम, तुम तैयार हो? बेशक। वो हाय पियर्स। हाँ, ओह पियर्स, क्या तुम जॉय को जानते हो? ओह हाय, इस तरफ क्वांटम, देखे तो तुम में कितना दम है। तुम्हारे स्केटबोर्ड में रॉकेट्स हैं? हाँ, इन नाइट्रो ब्लास्टर्स की वजह से मेरी टीम अगले हफ्ते के जबरदस्त खेल जीतने वाली है। क्या तुम में हमारे साथ राइड करने का दम है? ये तो इसे जरा दिखाओ ज़ेना। ये वीडियो हमने लास्ट वीक रास्ते पर स्टंट करते हुए बनाया था। तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। ऑल राइट, देखा असली चैंपियन मैं ही हूँ। खेल खत्म, तो देखते हैं अब तुम क्या करते हो। क्रिस, क्या हम बात कर सकते हैं? हमको एक मिनट देना प्लीज। ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए तो उन्हें स्केटबोर्ड दीवाने कहा जाता है। ये शहर की सबसे बेहतर टीम है और वो जबरदस्त खेलों के लिए मुझे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। दीवाने और पागल, ये शब्द तुम्हें परेशान क्यों नहीं करते? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये पियर्स हिंसात्मक है? मुझे वो अच्छा लगता है। सुपर बुक। सुपर बुक ने कहा था कि हम ऐसे धर्मी व्यक्ति से मिलेंगे जो परमेश्वर के साहचर्य में चलता था। पर मैं कह सकती हूँ कि पृथ्वी पर कोई धर्मी व्यक्ति है तो वो इस शहर में नहीं है। समझ नहीं आया, सुपर बुक हमें ऐसे शहर के बीचों बीच क्यों छोड़ देंगे जहाँ हर कोई एक दूसरे की जान के पीछे पड़ा है? खासकर तब जब वो हमें किसी से मिलवाना चाहते थे जो परमेश्वर के साहचर्य में चलता था।
दोस्तों, लगता है हमें वो व्यक्ति मिल गया। तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और जल रोधक बनाने के लिए उस पर टार लगाना। ये जहाज क्या है? मेरी जानकारी के अनुसार बाइबल में एक बड़ी नौका थी जिसे नूह ने बनाया था। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलग दिशा में एक द्वार रखना और तुम जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा डेक बनाना। देख और सुन, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करूंगा। सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं और तुम जहाज में प्रवेश करना, अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं को साथ ले जाना। बढ़िया भाई। आपने तो सच में कर दिखाया नू। ये सच में एक बड़ी नाव है। तुमने सही कहा जॉय, एक बहुत बड़ी नाव जिसे हमने जमीन के बीचों बीच बनाया और जहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं, और देखा जाए तो मेरे यंत्रों के हिसाब से बारिश आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। गिज़्मो, परमेश्वर ने कहा वो बाढ़ लाएंगे। मेरे अनुमान से तुम्हारे यंत्र गलत हैं। जहाज में जा तू और तेरा घराना, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना। वाओ, जरा देखो तो उन्हें। और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। उनकी तरफ देखो। आशा है सब प्राणियों के लिए जगह है। हाँ, उम्मीद है इनमें से बड़े जानवरों के लिए बड़ी जगह है। अरे वाह, ये क्या? आने दो सबको जोड़ी जोड़ी से। बलि देने वाले पशुओं को दाहिनी तरफ और ना देने वाले पशुओं को बाईं तरफ। ये अच्छी बात है कि गाय उड़ती नहीं है। या हाथी। चलो ऊपर, चलते रहो। ऐसा लगता है ये आखिरी है। चलो बिगेस, उन्हें आगे बढ़ाते रहो। तो सब कुछ तो चढ़ चुका है पर बारिश के कोई आसार नहीं। वाओ, ये जबरदस्त है। ये तो कमाल है। विश्वास नहीं होता सब इसमें इतनी अच्छी तरह से समा गए।
नू, सब कुछ इतना हिंसक कैसे हो गया? मतलब क्या परमेश्वर सबसे सच में गुस्सा है? मुझे नहीं पता कि गुस्सा सही शब्द है कि नहीं क्रिस। मेरे ख्याल से परमेश्वर का दिल टूट गया है। लगता है धीरे धीरे मनुष्य जाति बुराई और क्रूरता की तरफ बढ़ गई और अब केवल यही रह गया है। नूह ने परमेश्वर की समक्षता में कृपा पाई और बाकी लोग तो बस। कोई फायदा नहीं है, नहीं हिलेगा। बढ़िया, अब हम एक बड़ी नाव में कैद हो गए हैं और थोड़ी ही देर में जानवरों की बदबू आएगी और अब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। ये क्या था? ये देखो। सब लोग देख लो, सभी जानवर सुरक्षित हैं कि नहीं। जानवरों को सुरक्षित करना है। अभी शुरू हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। अच्छा काम किया तुमने। वाव, ये बोट अब तक की सबसे खतरनाक सवारी है। क्रिस, ये कोई मनोरंजन पार्क नहीं है। तुम समझो क्रिस, ये जानवर, नूह का परिवार और हम लोग बस यही सब बचे हैं। बात तुम्हारे उस दोस्त के बारे में है? पियर्स, हाँ, मुझे लगता था मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वैसे बनना चाहता हूँ। ऐसा लगता है उसे नियम पालन की जरूरत नहीं, जैसे कि वो और उसके दोस्त कुछ विशेष हैं। ये बहुत आकर्षक लगता है ना?
रोमांचक, थोड़ा सा खतरनाक। सच में खतरनाक। पता है वो विचार जो तुम्हारे दिमाग में था, जो कहता है मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। हाँ? धीरे धीरे तुम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हो। तुम एक गलत निर्णय लेते हो, एक स्वार्थी निर्णय लेते हो। तुम्हारे दोस्त के समान और बाहर जो लोग हैं उनके समान उन्हें कोई चिंता नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर जैसा चाहते थे वैसा जीवन जीना बंद कर दिया, और अंत में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या मैं उन्हीं की तरह हूं? क्या मुझे भी बहुत देर हो गई है? नहीं क्रिस, तुम अभी भी वही सवाल पूछ रहे हो। परमेश्वर उनका त्याग नहीं करते जो उनके लिए जीना चाहते हैं। चालीस रातें और सिर्फ बारिश और जानवर। और परमेश्वर ने नूह की और जितने जीव थे और सब पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और स्वर्ग से गिरने वाली बारिश बंद हो गई। सातवें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। उसके 2.5 महीनों बाद जल घटता चला गया, पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। उसके 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया है कि नहीं, पर कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला क्योंकि सारी भूमि पर पानी था। वो उसके पास जहाज में लौट आई। नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हिलना बंद करो नहीं तो ये कभी नहीं बैठेगा। गेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस, जॉय, मुझे इस नाव से निकलना ही होगा। जिन पक्षियों को नूह सूखी जमीन ढूंढने के लिए भेज रहे हैं उनकी समस्या मालूम है? उन्हें जमीन नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि नूह उन्हें किसी भी अच्छे उपकरण के बिना बाहर भेज रहे हैं, लेकिन अब नहीं। मैंने इस पंछी को हेड्स अप डिस्प्ले, इंफ्रारेड मैपिंग सिस्टम, लेजर साइट, सोलर पावर्ड थर्मल हीट रिटेनर, 6 हफ्तों का खाना और एक छाता दिया है, क्योंकि इन सब अत्याधुनिक उपकरण की सहायता से वो पलक झपकते ही जमीन को खोज लेगा। और एक पैराशूट। इस पंछी को भूल जाओ गिज़्मो। वैसे भी नू ने फिर से किसी कबूतर को छोड़ा है। मेरे ख्याल से सब चीजें उनके काबू में हैं। से ज्यादा समय बीत गया और आखिरकार पृथ्वी सूख गई। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला।
पक्षी, पशु, सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, ताकि वो फूले फले और पृथ्वी पर फैले। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। सुपर बुक। ठीक है, इसके बाद समुद्र में जल विहार नहीं करूंगा। तो तुम ये करोगे या नहीं क्रिस? नहीं। क्या? तुमने मेरी बात सुन ली? फिलहाल कृपया हटो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं भी, और मैं स्कूल नहीं जाता, पर बाकी कुछ चीजों के लिए देरी हो रही है। तुम चिंता मत करो। ओ, मुझे कुछ करना है और वादा करता हूँ कि तुम उन चीजों में शामिल नहीं हो। ओ। ओके, गो। फिर गिड़गिड़ाते हुए वापस मत आना, क्योंकि स्केटबोर्ड मेनियक्स दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देते। मैंने उसमें आखिर ऐसा क्या देखा? वो इतना रोमांचक नहीं है जितना वो सोचता है। ठीक कहा। तुम्हें पता है क्लास मिस करने की वजह से हमें सजा मिल सकती है? और भी बुरा हो सकता है, हमने देखा है कि कैसे चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं। पर परमेश्वर सब चीजों को फिर से नया बना सकते हैं। जीवन नया करो, जीवन नया।